तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। गदर 2 शानदार तरीके से कल अपने 16 दिन कंप्लीट करके आज 17वें दिन में एंट्री मार ली है और मुझे बताने में ये बिल्कुल घबराहट नहीं हो रही कि मूवी इंडिया की कम समय में हाईएस्ट ग्रॉसर का खिताब ले चुकी है इस साल की, जिसका बजट बहुत छोटा था, जिसको स्टोरी में इतना खास दम नहीं देखने को मिला। वाकई में दोस्तों गदर 2 एक इमोशन की तरह पूरे भारत में उभर कर आ रही है और हर दिन रिकॉर्ड ब्रेकिंग हिस्ट्री क्रिएट करते हुए रोज एक मोटी कमाई अपने खाते में रख रही है। जबकि हाल ही में ड्रीम गर्ल 2 और घूमर जैसी मूवी रिलीज हुई है तब भी ये दोनों फिल्में गदर 2 को टक्कर नहीं दे रही हैं, बल्कि गदर 2 इन्हें खदेड़ने की पूरी कोशिश कर रही है। तो सबसे पहले आज जानेंगे मूवी में पहले दिन कितनी कमाई करी, मूवी की ग्रोथ कैसी चल रही है, पहले हफ्ते में कितना कमाया इस फिल्म ने, लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना कर सकती है मूवी गदर 2, सेकंड वीक में कितनी कमाई करी है, सब जानेंगे बस कुछ ही देर में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। जी हां दोस्तों, गदर 2 ने बॉलीवुड इतिहास में जो हिस्ट्री क्रिएट करी है, जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग कमाई करी है आफ्टर पठान इन 2023, अमेजिंग। इस साल दूसरी सबसे बड़ी हाईएस्ट ग्रॉसर मूवी उभर कर सामने आ रही है और ऐसा ही चलता रहा, रोज मोटी कमाई अपने खाते में रखती रही, तो आने वाले 3 से 4 दिन के अंदर ही ये पठान को भी खदेड़ देगी और नंबर 1 ग्रॉसर मूवी बनकर सामने आएगी इंडिया की 2023 से। दोस्तों ये मूवी सिर्फ मूवी नहीं रह गई, एक इमोशन बनकर उभर रही है पूरे भारत में, जिसको जनता 2001 में छोड़कर आ गई थी और अब वो वाकई में दोबारा से रिकॉल हो रहा है, रिपीट हो रहा है। जी दोस्तों, गदर को कभी खुला मैदान नहीं मिला, जब भी रिलीज करी गई एक अपोनेंट के साथ क्लैश करना पड़ा मूवी को, और वो भी ऐसे वैसे नहीं, दमदार अपोनेंट के साथ। जैसे 2001 में लगान फिल्म के साथ क्लैश करा गया, जबकि आमिर खान का जो हाइप चल रहा था उस समय काफ़ी हाई चल रहा था, और इस टाइम जब 2023 में मूवी गदर 2 को रिलीज करा गया तो ओएमजी 2 से क्लैश करना पड़ा, जेलर मूवी से क्लैश करना पड़ा जो रजनीकांत की मूवी है, उसके बाद मेगा स्टार चिरंजीवी की फिल्म भोला शंकर से क्लैश करना पड़ा, और हाल ही में 2 फिल्में और रिलीज हुई हैं, आयुष्मान खुराना की ड्रीम गर्ल 2, जो ड्रीम गर्ल फर्स्ट पार्ट है वो अपने टाइम पर एक ब्लॉकबस्टर हिट पहले ही था, उसका घूमर मूवी अलग से रिलीज हुई है, तो लोग तब भी इस मूवी को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। आफ्टर सक्सेस ऑफ गदर फर्स्ट वी ऑल नो द रिजल्ट, क्लैशेस देखने को मिले लेकिन सबको बीट डाउन कर गई। अभी भी मूवी को अंडर एस्टिमेट कराया गया, लेकिन अभी भी सभी फिल्मों को ये बीट डाउन करा और अभी भी कर रही है। लेकिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एंड रिकॉर्ड्स की बात करने से पहले आपको बता दूं तो गदर 2 गदर एक प्रेम कथा का सिक्वल है, जिसे 2001 में रिलीज करा गया था और इसके लीड में पहली बार सनी पाजी तारा सिंह के रोल में देखने को मिले थे तब और अब, और एक्शन के मामले में बाप बनकर उभरी थी ये मूवी तब और अब। तारा सिंह का वही प्यार फिर से मिल रहा है और मूवी में सनी पाजी ने गजब का एक्शन भी करा है, जो भी थिएटर से बाहर आ रहा है पुरानी यादें ताजा करके आ रहा है, नो डाउट। इसी के साथ दोस्तों मूवी को अनिल शर्मा के डायरेक्शन में लगभग 100 करोड़ के खर्चे पर बनाया गया है और मूवी को 4000 स्क्रीन दी गई थी अपने पहले दिन में, और अभी आते आते मूवी को 2200 से 2300 स्क्रीन या फिर कई जगह पर 2000 स्क्रीन दी जा रही हैं। और पहले दिन 40 करोड़ से खाता खोला था और अपने पहले 3 दिन में ही नेट इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ह्यूज नंबर के साथ सेट करा था, 135 करोड़ पहले 3 दिन के नेट इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में। वहीं अपने चौथे दिन में 40 करोड़, पांचवें दिन में इंडिपेंडेंस डे का फुल फायदा उठाया, ऐतिहासिक कमाई करी 55 करोड़ की और पहले 5 दिन में 234 करोड़ के आंकड़े को टच कर लिया था और पूरी दुनिया से 300 करोड़ के आंकड़े को अपने नाम कर लिया था। और फिल्म बनी थी पहले 5 दिन में बहुत ही कम समय में एक मोटी कमाई करने वाली, पूरी दुनिया से 300 करोड़ वाली। इसी के साथ छठे दिन में 32 करोड़ का आंकड़ा अपने नाम किया, सातवें दिन में 23 करोड़ 80 लाख, और पहले हफ्ते शानदार तरीके से और पहला हफ्ता शानदार तरीके से कंप्लीट करते हुए नेट इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 284 करोड़ का आंकड़ा सेट किया था और पहले हफ्ते यानी 7 दिन कंप्लीट करके इंडियन ग्रॉस कलेक्शन से 342 करोड़ का आंकड़ा अपने नाम किया था, और पूरी दुनिया से पहले हफ्ते में ये फिल्म 370 करोड़ के आंकड़े को क्रॉस करने में सफल हो चुकी थी। तो पहला वीक बहुत शानदार निकला और सेकंड वीक में थोड़ा सा पहले और दूसरे दिन में डाउनफॉल देखने को मिला, 8वें और 9वें दिन में, जहां पर 8वें दिन में 18 करोड़ का आंकड़ा अपने नाम किया, 9वें दिन में 31 करोड़ 20 लाख का, लेकिन 10वें दिन में तुरंत बाउंस बैक करते हुए, सॉलिड कमबैक करते हुए, उछाल मारते हुए ऐतिहासिक कमाई अपने खाते में रखी, 42 करोड़ का सफल आंकड़ा अपने खाते में रखा। और इसी के साथ पहले 10 दिन का नेट इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 378 करोड़ के आंकड़े को क्रॉस कर चुका था और पूरी दुनिया से यह आंकड़ा 490 करोड़ के आंकड़े को सेट कर चुका था पहले 10 दिन में। 11वें दिन में वही 12 करोड़ का होल्ड किया, 12वें दिन में 11 करोड़ का होल्ड किया, 13वें दिन में और 14वें दिन में भी सॉलिड कमाई करते हुए पहले 14 दिन तक 419 करोड़ का नेट इंडियन कलेक्शन कर चुकी थी मूवी, 15वें दिन में 7 करोड़ 80 लाख का किया, और इसी के साथ कल यानी अपने 16वें दिन में एक बार फिर से मोटी कमाई करते हुए 13 करोड़ 40 लाख का होल्ड करा था। और इस हफ्ते रिलीज होने वाली ड्रीम गर्ल 2 का फर्स्ट डे का जो रिकॉर्ड था कलेक्शन रिकॉर्ड डे 1 का, उसे अपने 16 दिन के कलेक्शन रिकॉर्ड से खदेड़ दिया था और पहले 16 दिन में 440 करोड़ का नेट इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आंकड़ा अपने नाम कर चुकी थी और बॉलीवुड हिस्ट्री की नंबर 1 फिल्म बन चुकी थी। बहुत ही कम समय में 100 करोड़ पार करने वाली, 200 करोड़ पार करने वाली, 300 करोड़ अपने नाम करने वाली, 400 करोड़ अपने नाम करने वाली और 500 करोड़ अपने नाम करने वाली, और अपने आज
सत्रहवें दिन के कलेक्शन से ये 600 करोड़ का आंकड़ा पूरे अपने नाम कर लेगी पूरी दुनिया से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में। इसी के साथ अपने 16वें दिन में ही केजीएफ चैप्टर 2 के हिंदी लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को खदेड़ चुकी थी कल एंड ऑफ द डे तक, 16वें दिन के कलेक्शन के एंड ऑफ द डे तक। लेकिन वही बात करें आज यानी डे 17 के बॉक्स ऑफिस सिनेरियो की, आज कैसी ग्रोथ है, कैसी नहीं है, कितनी ऑक्यूपेंसी रेट है, कितनी नहीं, तो मॉर्निंग से ही बहुत अच्छी ऑक्यूपेंसी रेट देखने को मिल रही है। जी हाँ, 35 से 40% का ऑक्यूपेंसी रेट अपने नाम करा है मॉर्निंग टू आफ्टरनून, और इवनिंग टू नाइट में ये आंकड़ा 50 से 55% के ऑक्यूपेंसी रेट तक जा रहा है। जी हाँ, आज लगभग एडवांस से शुरुआत करिए 6.5 करोड़ का आंकड़ा अपने नाम किया, मूवी जबरदस्त स्टैंड कर रही है, जनता को भर भर के प्यार मिल रहा है, और मूवी आज एंड ऑफ द डे तक फुल एडवांटेज लेते हुए, संडे का फुल एडवांटेज लेते हुए 20 करोड़ का आंकड़ा अपने नाम करते दिखेगी, और अपने पहले 17 दिन में नेट इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से 460 करोड़ के आंकड़े को क्रॉस करते नजर आ रही है। सिर्फ नेट इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात कर रहा हूं, इसी के साथ पूरी दुनिया से ये फिल्म आज 600 करोड़ का आंकड़ा अपने नाम करते नजर आएगी और बॉलीवुड सिनेमा की नंबर वन फिल्म बनेगी, कम समय में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाने वाली और आने वाले कुछ ही दिनों में इस साल की करियर की बिगेस्ट ग्रॉसर मूवी बनेगी सनी पाजी के करियर की, जो 600 करोड़ के क्लब में शामिल होंगे, और इस साल की जायंट पठान को भी खदेड़ते नजर आएगी आने वाले 2 से 3 दिन में ही हिंदी लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में। इसी के साथ बाहुबली, केजीएफ, टाइगर जिंदा है, इन सभी फिल्मों को तो यह पहले ही खदेड़ चुकी है और कम समय में बहुत तेज़ी से कमाई करने वाली ये मूवी हिस्ट्री की नंबर वन फिल्म बन चुकी है बॉलीवुड सिनेमा की, जो बहुत कम बजट था, स्टोरी में भी उतना दम नहीं था उसके मुकाबले, और जनता का प्यार सनी देओल के लिए अनकंडीशनल दिल से भी निकल रहा है। तो मैंने बहुत बोल लिया, अब आपकी बारी, आप लोगों ने भी गदर 2 देख लिया तो आपको मूवी कैसी लगी फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स पर अपना एक्सपीरियंस पहले तो जरूर शेयर करके जाना, और गदर 2 क्या 800 करोड़ का आंकड़ा भी टच कर पाएगी या नहीं, फटाफट अपनी राय कमेंट बॉक्स पर जरूर शेयर करके जाना नीचे। बाकी मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ फिल्मों की अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, दूसरा अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते अगली वीडियो में, जय हिंद।